हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 15 जून को लास्ट डे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस है जो मैंने वीडियो के अंत में दिए थे, आइए इनके आंसर्स को देखते हैं। किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कल्याण के लिए एक नई समिति का पुनर्गठन किया है? इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा। इसके मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह हैं। वेल ने तेलंगाना के वंडा रेड्डी थर्मल परियोजना में एक कितने मेगावाट थर्मल यूनिट का सफलतापूर्वक परिचालन किया है? इसका आंसर 270 मेगावाट होगा। कोविड-19 महामारी के बीच वापस लौटे आईटी प्रोफेशनल के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? इसका आंसर कर्म भूमि है। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर ए एक्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, किस राज्य के आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र के सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाता है? इसका आंसर सी उड़ीसा होगा। उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक और वहां के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा को जल जीवन मिशन के लिए 812 करोड़ रुपये प्रोवाइड किए गए हैं। हाल ही में उड़ीसा ने बंदे उत्कल जननी को अपना स्टेट एंथम घोषित किया है, जिसे लिखा है के लक्ष्मीकांत मोहपात्रा ने। उड़ीसा का स्टेट एनिमल है सांभर डियर, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? इसका आंसर ए उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ और वहां पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बाल श्रमिक योजना के तहत अनाथ और मजदूर बच्चों को लड़कों को 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को सालाना 6000 रुपये दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है मस्क डियर, स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनल, नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, सहकार मित्र योजना किस मंत्री ने शुरू की है? इसका आंसर डी नरेंद्र सिंह तोमर होगा। इस योजना के यंग प्रोफेशनल्स को स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर ने, जिसके मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक और इसी तरह की स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम ट्यूलिप है। ट्यूलिप का फुल फॉर्म द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के पुरुषोत्तम रूपाला। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है संदीप कुमार नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, फीफा ने हाल ही में नवीनतम रैंकिंग लिस्ट निकाली है जिसमें भारत का रैंक क्या है? इसका आंसर सी 108 होगा। इस रैंकिंग को टॉप किया है, टॉप 3 देश है इसमें बेल्जियम, फ्रांस और ब्राजील। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, इसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर बी हैदराबाद होगा। तेलंगाना के CM है के चंद्रशेखर राव, वहाँ के गवर्नर है तमिल साई सौंदराजन। तेलंगाना का स्टेट एनिमल है शीतल डियर, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, नेशनल पार्क है काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिनार वनस्थली नेशनल पार्क, मुर्गवानी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर ए 13th of June होगा। एल्बिनिज्म रंगहीनता है जिसमें एल्बिनिज्म एक तरह की जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मेलानिन कम प्रोड्यूस होने के कारण स्किन का कलर सफ़ेद हो जाता है। इसका थीम है मेड टू साइन। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस का थीम है मेड टू साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, सॉरी यहाँ पे हम अब 1 से 11 तारीख के इंपॉर्टेंट डेज और उसके थीम को रिवाइज कर लेते हैं। साथ ही साथ June 1 को वर्ल्ड मिल्क डे, इसका थीम है 20th anniversary ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। 2nd of June को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, इसका थीम है तेलंगाना फॉर्मेशन 2nd of June को तेलंगाना अपना फॉर्मेशन डे भी मनाता है। 3rd of June को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 4th of June को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन।
5th ऑफ जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसका थीम है टाइम फॉर नेचर। 6th ऑफ जून को रशियन लैंग्वेज डे। 7th ऑफ जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। 8th ऑफ जून को वर्ल्ड ओशंस डे, इसका थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। 9th ऑफ जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, इसका थीम है एक्रेडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। 11th ऑफ जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसका थीम है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? इसका आंसर बी मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्वैंप डियर। यहाँ पे स्टेट बने एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। यहाँ पर नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा वन विहार नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस बैंक ने योनो प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने ऑनलाइन बचत खाता खोलने के लिए आधार आधारित डिजिटल खाता सुविधा को फिर से लॉन्च किया है? इसका आंसर सी SBI होगा। SBI के चेयरमैन है रजनीश कुमार, इसको फोन किया गया था 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। मर्जर के बाद इसका थीम है बड़े बैंक के बड़े फायदे। इसका टैगलाइन है बड़े बैंक के बड़े फायदे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के कोरोना वायरस संकट के बीच किस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर बी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा है? इसका आंसर ए महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, वहां के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है इंडियन जायंट स्क्विरल। स्टेट बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन। वहां पर नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, टडोवा नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आर्सेलो मित्तल ने समूह ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है? इसका आंसर सी उड़ीसा है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा का स्टेट एनिमल सांभर डियर। स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर और वहां पर नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। उड़ीसा को हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए 812 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं। वंदे उत्कल जननी अब उड़ीसा का स्टेट थीम हो गया, जिसके राइटर है के लक्ष्मीकांत महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जून 2020 में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर बी कैजाद परूचा होगा। HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके MD और CEO आदित्य पुरी है। इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में दान के रूप में भारत को 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर दिए हैं? इसका आंसर डी अमेरिका होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किस पाकिस्तानी क्रिकेट का COVID-19 घातक वायरस के लिए परीक्षण सकारात्मक रहा है, यानी कि वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं? इसका आंसर सी साहिद अफरीदी है। नेक्स्ट स्लाइड क्यों चलते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ करेंट्री कैपिटल और उनके करेंसी को रिवाइज कर लेते हैं। इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो, वहाँ की करेंसी है US डॉलर। इजिप्ट की कैपिटल है कियारो, वहाँ पे करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। EL सेल्वाडोर की कैपिटल है सैन सेल्वाडोर, वहाँ पे करेंसी है कोलन US डॉलर। इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल है मालबू, वहाँ पे करेंसी है CFA फ्रैंक। एरिट्रिया की कैपिटल है असमारा, वहाँ पे करेंसी है नाकफा। वहाँ एस्टोनिया की कैपिटल है तालिन, वहाँ पे करेंसी है एस्टोनिया क्रून या यूरो। इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा, वहाँ पे करेंसी है बिर। फिजी की कैपिटल सुवा, वहाँ पे करेंसी है फिज डॉलर।
फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, वहाँ पे करेंसी है यूरो, उससे पहले वहाँ पे मार्का थी। गैप्सन की कैपिटल लिवरविले है, वहाँ पे करेंसी सीएफए फ्रैंक। गैम्बिया की कैपिटल है वंजुल, वहाँ पे करेंसी है दलाशी। वहाँ जॉर्जिया की कैपिटल तबलिशी है, वहाँ पे करेंसी लाड़ी है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, वहाँ पे करेंसी यूरो। घाना की कैपिटल अक्रा है, वहाँ पे करेंसी शेली। ग्रीस की कैपिटल एथेंस है, वहाँ पे करेंसी यूरो। ये आज के 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। निम्नलिखित में से किसने COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है? क्वेश्चन नंबर 2, शंभू एस कुमारन को किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? 2020 का खाद्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? इन सभी के आंसर्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।